वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी गार्डनिंग के कुछ टिप्स ट्रिक्स और अपने हर्बल प्लांट्स। गार्डनिंग करने जा रहे हैं तो कुछ वेस्ट भी निकाल लूंगी मैं आपके साथ साथ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सीजर ले लेती हूँ। मैं ले रही हूँ किचन सीजर प्लांट्स की वेस्टेज को काटने के लिए। ये मेरा मनी प्लांट है, इसकी लीव्स थोड़ा बड़ी हैं, बड़े वाला मनी प्लांट है। इसको डेकोरेट भी किया हुआ है मैंने, एक बुद्धा स्टैचू को मैंने यहाँ डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बुद्धा जो है अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं। तो इसकी वेस्ट मैं निकाल लेती हूँ, ये जो येलो लीव्स हो गई हैं अभी सर्दी की वजह से, इनको निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ ये जो है मैं प्लांट को जो पानी देती हूँ वो ये भी लेती रहेंगी, लेकिन ये तो बढ़ नहीं पाएंगी। ये तो अभी हाफ डेड हो चुकी हैं, धीरे धीरे फुल डेड हो जाएंगी, तो मैं इसको काट देती हूँ। इसमें मैंने एलोवेरा भी लगाया हुआ है जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये वाला जो प्लांट है इसमें जो है सनलाइट जब होती है तो फ्लावर्स बहुत अच्छे खिलते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स। ये मनी प्लांट के लिए ये स्टिक लगानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ऊँचा नहीं हो पाता है, लंबा नहीं होता। ये जो स्टिक है ये लगानी ज़रूरी है। इस प्लांट के यहाँ से जो ये आप देख रहे हो थोड़ी सी रूट्स जैसी निकल रही हैं, अगर मैं इसको यहाँ से काट कर किसी दूसरे गमले में लगा दूँगी तो ये फिर से सरवाइव कर जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे किए हैं, एक ही प्लांट से कई प्लांट लगाए हैं, लेकिन ये स्टिक के बिना उतना ग्रो नहीं होता है, इसकी हाइट ऊपर नहीं जाती, फिर ये नीचे की तरफ ही रहता है। मैंने थ्रेड से इसको कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तो वैसे भी विंटर्स हैं तो इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। जैसे इसमें भी बहुत सारी लीव्स येलो हो गई हैं जिसे मुझे निकालना होगा, और मैंने इसको बहुत छोटे छोटे मेरे पास ये पॉट से जिसको किसी भी यूज़ में ले सकते थे उसमें लगा दिया, लेकिन ये इतने छोटे थे कि इसमें वो ग्रास की जो स्टिक है जो इनको हाइट देती है, सपोर्ट देती है, वो लग नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा इसमें अपने आप बढ़ गए। इसकी यही स्पेशलिटी कि एक बार अगर लगा दें तो ये फिर बढ़ता ही चला जाता है। बहुत पुराना प्लांट है ये, इसके ये स्टेम्स हैं इससे पता लग रहा है कि ये कितना पुराना है, और ये सारा एक दूसरे में जुड़ गया है तीनों पॉट्स का। अब मैं अगर इन तीनों पॉट्स को अलग करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल होगा, ये प्लांट जो है बीच बीच में से मर जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है और ये एक साथ बढ़ेगा। इसके जो वेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको भी मैं काट देती हूँ, क्योंकि वेस्ट काटूंगी तभी ये आगे और अच्छा ग्रो करेगा। तो जहाँ जहाँ इसके वेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उसको काट देती हूँ। इसके येलो पत्ते जो हो गए थे उनको मैंने निकाल दिया है, और अब ये एकदम हेल्दी हो गया है। इसमें जो भी वेस्ट थे वो मैंने हटा दिए हैं, ये उसी एक ही प्लांट से मैंने लगाया है, और कितना बड़ा हो गया। इन दोनों प्लांट्स के बीच में मैंने बैठने के लिए भी बनवाया हुआ है सीमेंटेड। इस प्लांट में मैंने ग्रास स्टिक नहीं लगाई है तो ये नीचे की तरफ अपना स्पेस ले रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से भी इस तरह से जहाँ भी इसको स्पेस मिलता है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी जगह बना लेता है। इनके साथ ही एक छोटा सा प्लांट है क्यूट सा पॉट में मैंने लगाया हुआ है, ये एक कैक्टस है। ये कैक्टस भी मैंने प्लांटेशन किया है एक बड़े कैक्टस से, उसी कैक्टस से मैंने एक उसको यहाँ पर प्लांट किया है और यहाँ पर भी ये बढ़ गया है। ये वाला जो कैक्टस है घर के बाहर लगाने से जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो घर में नहीं आती, ऑब्वियस है कि इसमें इतने कांटे हैं तो कौन सी शक्तियाँ अंदर आएगी, मैं ये सब बहुत नहीं मानती हूँ। बड़ा कैक्टस है जो मेनली था वो ये है, इसमें से नीचे से अपने आप एक और ग्रो करता है, इसके साथ में ही मिट्टी में अपने आप उगना शुरू हो जाता है। मैं उसको निकाल लेती हूँ और एक अलग पॉट में प्लांट कर देती हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ प्लांट किया था और कितना बड़ा हो गया ये, ऐसे एक वो प्लांट किया है, छोटा सा यहाँ प्लांट किया है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मैंने इसको ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए बांध दिया है ऐसे ही मैं आज इसको भी शेप देना चाह रही हूँ, तो इसको मैं शेप देती हूँ। ये देखो अगर आप ये यहाँ इसको सपोर्ट मिला है तो ये सीधा हो गया, अदरवाइज़ ये बाहर की तरफ आ रहा था, ऐसे ही अब ये तो बहुत बाहर आ गया, तो ये इसको बहुत स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट दे देती हूँ। देने के लिए मैं थोड़ा सा मोटा थ्रेड ले लूँगी, कोई भी थ्रेड हो सकता है वो, ये थोड़ा सा मोटा है ताकि जब मैं नॉट लगाऊँगी तो ये टूटे नहीं और इस प्लांट को
सपोर्ट मिला रहे। यहाँ से मैंने इसको बेस दे दिया है, अगर मैं यहाँ से बांधूंगी तो मैं इसको ज़ोर से नहीं बांध पाऊँगी, इसलिए मैंने इसकी नेक पर, पॉट की जो नेक है वहाँ पर पहले इसको बांध दिया नॉट के साथ। अब मैं इसको धीरे से बीच बीच में से सपोर्ट दूंगी। अगर मैं एक साथ ले लूँगी तो ये क्रैक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये वाटर से भरपूर हैं, एकदम क्रैक हो जाते हैं, शायद अभी करते करते भी कोई क्रैक हो जाए। मैं सबको एक साथ नहीं ले पाऊँगी क्योंकि ये इतना मैं इनको टाइट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मुझे बीच बीच में से लेने पड़ेंगे। एक 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 को सपोर्ट दूंगी तो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो बीच बीच वालों को मैं लेती जाऊंगी और थोड़ा सा धीरे धीरे टाइट कर रही हूँ ताकि ये क्रैक ना हो जाए। बीच बीच में ले रही हूँ, एक 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 को बढ़ाती जा रही हूँ। अब मैं नीचे वाले में से ऐसे ले लूँगी, जैसे कोई वीविंग कर रहे होते हैं ना, उस तरह से ले रही हूँ मैं ताकि इनको मैं आराम से सपोर्ट दे पाऊँ बिना तोड़े, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैंने ग्रो किए हैं। अब ये नीचे से थोड़ा ऊपर आने शुरू हो गए, जैसे वीविंग करते हैं बिल्कुल वैसे ले रही हूँ मैं, ऐसे एक एक को बढ़ा रही हूँ और धीरे धीरे ऊपर ला रही हूँ उनको, कि अगर मैं वीविंग नहीं करूँगी ना तो ये गिर जा रहे हैं एक साथ। अब मुझे ये राउंड में नहीं हो पाएगा तो मुझे वापस इसको यहाँ से लेना पड़ेगा और वीविंग जो है वो थोड़ा अलग तरीके से करनी पड़ेगी, क्रॉस वीविंग मतलब जिसको कह सकते हैं। जब ये थोड़े दिन बाद अपनी शेप चेंज कर लेगा मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। अब मुझे यहाँ से फिर से इसको मोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबी चली गई है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे सपोर्ट तो ये टूट जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में बड़ा हो रहा है लंबा हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैं इसको ले रही हूँ। और अब इसकी हाइट पे आ जाऊँगी, अब इसकी हाइट पे, और यहाँ से इसको मुझे रोल करना होगा अदरवाइज ये स्लिप हो जाएगा। इसको भी रोल करना होगा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, ये स्लिप हो जाएगा और वापस नीचे चला जाएगा। यहाँ पर भी मुझे इसको रोल करके सपोर्ट देना पड़ेगा, इसमें कांटे भी हैं तो अपना हाथ भी बचाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत बड़ी ज़ोर से इसका कांटा हाथ में लग जाता है। अब मुझे वापस ये और ये जो है इसको भी सपोर्ट देना है, तो मैं क्या करूँगी इसको नीचे इसकी नेक पे एक बार फिर से ले जाऊँगी, नेक पे लाकर अब इसको फिर से यहाँ से इसमें रोल करना पड़ेगा मुझे इसकी टेल को। ये ऊपर आ गया, अब बीच में से कहीं से भी निकाल कर मैं वापस जो ये यहाँ एक छोटा सा रह गया इसको भी ऐसे ही ले लूँगी। ये अब ये तकरीबन सारा ठीक हो गया, लेकिन अभी भी ये इस तरफ गया तो इसको मुझे और ऐसे लेना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। अब मैं इसको छोड़ दूंगी तो देखूंगी कुछ दिन बाद इसने अपनी शेप चेंज कर ली होगी, नहीं की होगी। अब मैंने जैसे ज़्यादा लिया तो ये स्लिप होकर नीचे आ गया, अब इसको इतना ही आज छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन बाद फिर से इसकी शेप को चेंज करना पड़ेगा। तो जो हम मार्केट में या इसके बुटीक्स में देखते हैं कि इतने सुंदर सुंदर ये प्लांट शेप में मिलते हैं, वो अपने आप नहीं ग्रो करते, उनको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शेप देनी पड़ती है इस तरह से। अब मैंने जो इसको बांध दिया तो ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अभी ये ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे इसकी हाइट बढ़ेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गया है। इसमें जो ये लंबे वाले रह गए थे इसको मैं शेप इधर नहीं ले पाई क्योंकि इसका कर्व आ चुका है, इतना इसकी एज हो चुकी है कि इस कर्व को मैं इधर नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं यहाँ इस गमले के साथ सपोर्ट दे के रख दूँगी कि ये उल्टी शेप ले लेगा, जैसे ये बाहर की तरफ गया था तो अब ये अंदर की तरफ आ जाएगा, एक दो दिन बाद में देखूंगी इस तरह से। अब ये नेचुरली जो है ऐसे सीधा हो जाएगा, मैं अगर इसको ज़्यादा बेंड करूंगी तो ये टूट जाएगा, जैसे कि ये वाला जो है आप देखो जो इससे सपोर्ट मिला था तो ये सीधा था और बाकी का इसका बाहर आ गया, थोड़ा सा इसको भी शेप दे देते हैं। पॉट की जो नेक है उस पर मैं एक थ्रेड को लेकर नॉट से फिक्स कर दूंगी, उसके बाद अब इसकी फिर से वीविंग स्टार्ट हो जाएगी और इसको और ज़्यादा सपोर्ट देना है तो मैं इसको डबल वीविंग दे दूंगी ताकि एक दूसरे से ये सपोर्ट ले सकें। तो उसमें इसकी वीविंग करके ऐसे इसको सपोर्ट मिल जाएगा,
सीधा रहने के लिए। इन सबको सपोर्ट देने के बाद इसको वापस मैं इसके नेक पर घुमा दूंगी, क्योंकि इनके साथ तो मैं नहीं बांध सकती, इसलिए मैं इसको इसकी नेक पर ही बांध दूंगी वापस। अब कुछ दिनों बाद जो इसके ये बेबी लीव्स हैं इनको मैं सपोर्ट दूंगी, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तब। प्लांट को मैं वापस इसके फैमिली प्लांट्स के साथ रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने नीम को भी बॉन्साई बनाने की कोशिश की है। ये नीम यहाँ से दो स्टेम निकले हुए थे और मैंने इसको एक स्टील की रॉड से बीच बीच में कर्व दिए हैं। अभी इसमें से नए लीव्स आ रहे हैं। विंटर से तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और मुझे ये अपने हर्बल जूस में भी डेली काम में लेना होता है, तो मैं बीच बीच में से इसकी लीव्स को जो मुझे लगता है कि थोड़ी ओल्ड हो गई हैं उनको निकाल लेती हूँ। और साथ में ये वाला प्लांट है, ये प्लांट भी अब पेड़ बन गया है। ये प्लांट जो है कैंसर से क्योर करता है। इसकी भी एक दो लीव्स मैं अपने जूस में डालती हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक में जाकर देख सकते हैं, हर्बल जूस जो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। ये एक छोटी सी डिश है, इसमें सदाबहार प्लांट है। ये अभी मैंने चेंज कर दिया है, इसको जो इसके बड़े बड़े थे उसको निकाल दिया है, बहुत छोटा जो बेबी प्लांट है उसको रखा है, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे प्लांट्स को लगाया जाता है, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया है इसका। ये प्लांट अपने आप ये येलो होता है और नीचे से नया निकलता जाता है। इसको भी मैंने आज ही जो है सपोर्ट दिया है पूरा। ये जैसे नया निकल रहा है लेकिन जो पिछला है वो अपने आप टूटता जाएगा। ये येलो इसको तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप निकल जाता है। यहाँ पर भी वही है मनी प्लांट, ये भी बहुत बड़ा था लेकिन अभी छोटा हो गया है सर्दी की वजह से। इसकी खाली ये रूट्स रह गई हैं। ये सदाबहार है, ये भी मैं अपने जूस में यूज़ करती हूँ। इसके प्लांट ये वाइट सदाबहार है, वैसे एक पिंक वाला भी होता है वो भी है मेरे पास। ये होली बेजल है जिसको तुलसी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखनी चाहिए तो मैंने इसको थोड़ा साइड में रखा हुआ है। और कुछ डेकोरेशन भी की है मैंने, बुद्धा रखे हैं ताकि बहुत अच्छा सा लुक आता है यहाँ पर। ये एक डक के अंदर प्लांटेशन की है मैंने, इसमें एलोवेरा लगा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे नीम के बेबी प्लांट्स हैं, अभी मैंने लगाए हैं तो ये बहुत धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको एक तो शेड पड़ गया है यहाँ पर, इसलिए ये नीम को बहुत धूप चाहिए होती है और आजकल सर्दी है तो धूप है नहीं। ये है मेरी गिलाय की बेल जो अब पूरी सूख गई है, इसमें लीव्स बची ही नहीं है, लेकिन इसमें फिर से ग्रोथ हो जाती है अपने आप, इसलिए मैंने इसको उतारा नहीं है। बहुत थोड़ा सा कहीं कहीं फिर से निकलना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि ये गिलोय है जो निकलना स्टार्ट हुआ है। यहाँ एक लीफ आया था, इसका येलो हो गया, लेकिन इसको निकालना नहीं चाहिए, ये अपने आप ग्रो कर जाता है। और ये वाला जो प्लांट है इसकी एक स्पेशलिटी है कि अगर इसका लीफ कहीं भी डाल देंगे तो उसमें से अपने आप प्लांट्स निकल आते हैं इस तरह से। जैसे ये एक लीफ कहीं भी गिर जाएगा तो उसमें से अपने आप प्लांट्स निकल आते हैं छोटे छोटे। और ये प्लांट भी कभी नहीं मरता, और एक से दूसरी जगह कहीं भी लगा दो इसको, अपने आप ये स्टे कर जाता है। और यहाँ साथ में हैं थोड़े से अनार के छिलके जो फेस स्क्रब में मैं यूज़ करूँगी। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी आप चाहें तो इसको भी हमारे लिंक में जाकर देख सकते हैं, फेस स्क्रब जो कि अभी बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे डिमांड भी किया है और हम उसको बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मेरी हर्ब्स में है नीम, ये पत्थर चट्टा जो कैंसर से क्योर करता है, ये सदाबहार, नीम अगेन, और ये गिलोय एलोवेरा। ये बहुत ब्यूटीफुल सा प्लांट है, इसमें ये पत्थर चट्टा, सदाबहार और तुलसी तीनों मेरे हर्बल प्लांट लगे हुए हैं जो मैं जूस में यूज़ करती हूँ। ये वही वाला एक और प्लांट मैंने उसी से लगाया था और कितना बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें मैंने वो ग्रास स्टिक लगाई है जो इसको सपोर्ट करती है। ऐसा ही एक यहाँ पर भी है, इसमें भी स्टिक लगी है तो ये इतना अच्छा हाइट में चला गया, और ये तो काफ़ी हेल्दी भी है। इस प्लांट में भी है तुलसी और ये पत्थर चट्टा। ये पत्थर चट्टा हम कहीं भी लगा दें तो ये सीधा जाता है ऊपर की तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हाँ इसका पत्ता नीचे गिर जाएगा तो ये फिर से ग्रो कर जाएगा, लेकिन मैं इसमें और उगने नहीं देती, उसको मैं हटा देती हूँ, दूसरी जगह प्लांटेशन कर देती हूँ। एक ये वाला कैक्टस है, ये कैक्टस स्नेक कैक्टस कहते हैं शायद इसको। और ये कैक्टस जो है, एक कैक्टस लगाने से दूसरा अपने आप नीचे बढ़ जाता है, जैसे ये दो हो गए हैं, एक से अपने आप दो हो गए हैं। इसका भी मैंने प्लांटेशन किया है,
एक जगह, वहीं से निकाल कर मैंने ये वाला स्नेक कैक्टस लगाया था। ये कितना लंबा हो गया है, इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और लीव्स भी नई नई निकल आई हैं। इसकी स्पेशलिटी है कि जो ये जो पुराना है ये नहीं बढ़ेगा, इसने दूसरे को जो बर्थ दिया है वो वाला ग्रो करेगा। जैसे ये वाला ओल्ड है और ये वाला न्यू है। इसकी लीव्स कितनी फ्रेश लग रही है, ग्रीन लग रही है, पानी से भरी हुई। ये जो पुराना है ये सूखना शुरू हो गया है। यहाँ पर भी मैंने एक बुद्धा को डेकोरेट किया है और यहाँ पर एक बड़ का पेड़ भी लगा है। ये इलायची का प्लांट है, इसकी लीफ को अगर तोड़े और स्मेल करें तो एकदम इलायची की खुशबू आती है। इसमें कुछ वेस्ट है, येलो हो गई हैं कुछ लीव्स, उनको मैं काट देती हूँ। ये भी प्लांट नीचे से अपने आप एक से दो, दो से तीन मल्टीपल होता चला जाता है, इसलिए मैं इसमें भी कुछ और लगने नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी जो बहुत ही कॉमनली लग जाता है सदाबहार और पत्थर चट्टा, अपने आप ग्रो कर गया है साइड पे कॉर्नर में। इसके भी वेस्ट हैं कुछ, उसको निकाल देती हूँ। ये येलो हो गए हैं। इसमें यही है कि एक जो लीफ है उसमें से दूसरा निकलता है, तो पिछला जो है वो अपने आप ब्लैक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे येलो से, और नया जो निकलता है वो ग्रीन निकलता है। ये वाले जैसे लीफ हैं ये, इनको मैं यहाँ से काट देती हूँ जहाँ से ये पीले पीले हो गए हैं, येलो हो गए हैं। इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये येलो वाले जो हैं प्लांट को बढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास एलोवेरा है बहुत सारा, इसमें भी मैंने टॉय डेकोरेट किए हैं। और ये छोटे छोटे रैबिट्स में मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये सुदर्शन का प्लांट है, इसमें वाइट कलर का बहुत लंबा सा बड़ा सा फ्लावर आता है। और ये मेरी अपनी इनोवेशन है, मैंने ऑयल केन होती है उसको काट कर उसमें तुलसी को लगाया है। कितनी अच्छी हाइट हो गई है इसकी। ये तुलसी भी मैं जूस में यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है लीव्स इसके लेने में। इसके भी कुछ लीव्स जो है वो येलो हो गए थे तो मैंने उनको काट दिया है, क्योंकि जो येलो हो जाते हैं उसको काट देना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि ये बड़ा हो जाता है लंबा, तो ऑब्वियसली यहाँ से या तो क्रैक हो जाएगा या येलो हो जाएगा, तो उसको काट देने से क्या है कि नीचे से और नए इसमें ग्रो कर जाते हैं। अगेन एलोवेरा, एलोवेरा ये प्लांट मुझे मेरी मॉम ने दिया था। ये जामुन का पेड़ था छोटा सा, लेकिन मैं इसको प्लांटेशन में लेट हो गई और मैं दो दिन बाद इसको मैंने गमले में लगाया, तो ये सारे लीव्स को इसने अपने गिरा दिया है और अभी एक दो ऊपर रह गए। लेकिन मुझे उम्मीद है शायद इसमें से नीचे से नया अपने आप निकला है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं वो जो लगे हैं वो अगर वहाँ से थोड़े डेड होने भी शुरू हो जाए तो उसकी जो रूट्स हैं उसमें से नया निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है बढ़ते ही चले जाते हैं। जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं इसको बॉन्साई बनाने के लिए इसमें लगा रही थी, लेकिन अभी देखते हैं ये ग्रो करता है या नहीं। ये भी है होली बेजल तुलसी, इसको भी मैंने बांधा है सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़ गई थी। अभी इसमें लीव्स कम हो गई सर्दियों में और इसकी जो तना जो स्टेम बोलते हैं वो ज़्यादा हो गए, तो उसके वेट से जो है ये बाहर की तरफ आ गया था, तो इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा सपोर्ट दिया है। और इसके नीचे मैंने एक कृष्ण जी का प्यारा सा स्टैचू भी लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने और नीम ग्रो करने की कोशिश की है और यहाँ एक टॉय डेकोरेट किया है। आज मैंने आपके साथ अपना प्लांट लव शेयर किया है, जिसमें मैंने शेयर किए कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स, कुछ बॉन्साई बनाने के तरीके और कुछ हर्बल प्लांट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप करेंगे इसको लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।